बीजेपी के साथ अब मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश भी बीजेपी ऑफिस के सामने से ना ले जाई जाए। ये कहने वाले शख्स हैं कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी। लक्ष्मण सावदी ने शुक्रवार को भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके सबको चौंका दिया। दरअसल लक्ष्मण इस बात से नाराज थे कि भाजपा ने उन्हें बेलगावी में अथानी क्षेत्र से टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, साथ ही एमएलसी पद से भी इस्तीफा दिया। अब लक्ष्मण सावदी अथानी से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यहां से सावदी 3 बार एमएलए रह चुके हैं, लेकिन लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में जाने से क्या भाजपा को नुकसान होगा, आइए जानते हैं। लक्ष्मण सावदी कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत नाम रहे हैं। वो राज्य के 8वें उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही 2019 से 21 तक बीएस येदियुरप्पा के मंत्रिमंडल में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। लक्ष्मण सावदी के बारे में सबसे अहम बात ये कि वो लिंगायत समुदाय से आते हैं और राज्य में लिंगायत नेता के तौर पर उनकी ख्याति है। लक्ष्मण सावदी के प्रभाव को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि उनका प्रभाव राज्य के उत्तर में शिमोगा और उसके पड़ोसी जिलों में आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ तक कि लक्ष्मण सावदी को कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के बाद सबसे प्रभावशाली लिंगायत नेताओं में से एक माना जाता है। हालांकि ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेलगावी में एक लिंगायत नेता ना होने की कमी को पूरा करते हैं। बता दें कि बेलगावी एक बड़ा जिला है जहां 10 तालुके और 18 एमएलए सीट है। 2018 की बात करें तो इन 18 में से 10 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, वहीं कांग्रेस बाकी 8 सीटों पर कब्जा कर पाई थी। इसे बेहतर समझना है तो ये जान लीजिए कि 2019 में 17 कांग्रेस जेडीएस विधायकों ने बगावत करके एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिरा दी थी और इनमें से 3 विधायक बेलगावी से ही थे। वहीं 2019 में लक्ष्मण सावदी को मुख्यमंत्री बनाया गया, हालांकि उस पर भी विवाद छिड़ गया था। दरअसल 2012 में लक्ष्मण सावदी समेत 2 और मंत्री विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते हुए पकड़े गए थे। ये वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन हेडलाइन तो बन चुकी थी। दूसरी तरफ लक्ष्मण सावदी के कद के बारे में आपको बताएं कि वो उत्तर कर्नाटक और पश्चिम महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे हैं। यही वजह है कि वो महाराष्ट्र के लोगों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने में सक्षम रहे हैं। खासतौर पर सांगली और कोल्हापुर जिलों में भी उनकी पर्सनैलिटी का प्रभाव माना जाता है। वो फिलहाल कर्नाटक और आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं। चुनाव में सावदी की भूमिका की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनावों में कागवाड़, अथानी उपचुनाव, सिंदगी और बसव कल्याण में भाजपा उम्मीदवारों की जीत में सावदी की अहम भूमिका रही है और इस तजुर्बे का लाभ अब कांग्रेस को मिल सकता है, खासतौर पर कागवाड़ और अठानी में, क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए भाजपा काफी हद तक लक्ष्मण सावदी पर ही निर्भर थी। यहाँ एक बात और भी गौर करने वाली है, विजयपुरा और कलबुर्गी के क्षेत्रों में भी लक्ष्मण सावदी लोकप्रिय नेता रहे हैं। यही कारण था कि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने उन्हें कलबुर्गी और विजयपुरा जिले के कई निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारी के रूप में नामित किया था। साथ ही वो पिछले 2 विधानसभा चुनावों के दौरान महाराष्ट्र के पड़ोसी जिलों के कई विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों के प्रभारी भी रहे हैं। कर्नाटक की राजनीति और आने वाले चुनावों पर आपकी क्या राय है वो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। न्यूज़ तक ब्यूरो।